हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MIUI 14 और Android 13 के अपडेट के फीचर्स के बारे में। फाइनली यहां पर ग्लोबल में जो अपडेट है ना, वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आपको MIUI 14 और Android 13 का अपडेट है ना, वो देखने को मिलता है। और इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे नए फीचर्स है ना, वो देखने को मिलते हैं। और यही जो सेम फीचर्स है, वो आप लोगों को यहाँ पर इंडिया के जो अपडेट है इसके अंदर भी होने वाले हैं। सो कंप्लीट इस वीडियो को देखना। और यहां पर मैं आपको छोटी सी न्यूज बता देता हूं, जो ग्लोबल के अंदर MI 12 सीरीज है उसके अंदर आप लोगों को एक नया अपडेट है ना, वो यहाँ पर मिला है, जिसका वर्जन आपको मिलता है 14.0.7.0। और ये आप लोगों को उसका कंप्लीट यहाँ पर जो चेंज लॉग है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। सो इसको आप लोग हमारे चैनल पे आके भी यहाँ पर देख सकते हो। बाकी हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में कि कौन कौन से आप लोगों को फीचर्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। सो वीडियो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पर प्रेस कर लेना है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस अपडेट के फर्स्ट फीचर के बारे में। तो यहाँ पर जो गाइज आप लोगों को आइकन पे देखने को मिलते हैं, इनको कस्टमाइज करने का ऑप्शन है वो यहां पर मिलता है, जैसे कि एडिट फोल्डर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब ये जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे, आपको रेगुलर, इनलार्ज और डबल एक्सेल की जो साइज है उसका फोल्डर है वो यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अंदर तो पहले से ही था, एक बार यहाँ पर डबल एक्सेल है, इसके अंदर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया ना वो यहाँ पर हो सके। तो आप लोग देख पा रहे, ये आप लोगों को इसकी साइज है ना वो यहाँ पर बड़ी देखने को मिल जाती है। वहीं हम लोग बात करें रेगुलर साइज के बारे में, सो रेगुलर साइज छोटी वाली साइज है जो कि आप लोग देख पा रहे। तो सबसे ज्यादा जो फोल्डर है ना वो इनलार्ज जो साइज है ना इसके अंदर यहाँ पर सही लग रहा है। तो इसी के अंदर मैंने वापस से इसको यहां पर सेटअप कर दिया है। अब भी बात कर लेते हैं और कुछ चेंजेस के बारे में, जो कि है विजेट्स के बारे में। तो आप लोगों को यहां पर ग्लोबल के अंदर जो विजेट्स है ना वो यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि आप लोगों को MIUI 14 चाइना का अपडेट है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन ग्लोबल के अंदर कोई भी विजेट्स नहीं है। आई होप ये जो विजेट्स है ना वो इंडिया से यहां पर गायब नहीं किए जाएंगे। वहीं बात करें कुछ और चेंजेस के बारे में, तो सेटिंग एप्लीकेशन है उसको ओपन करने के बाद में आपको यहां पर ये जितने भी जो ये वाले लोगो देखने को मिलते हैं ना वो MIUI 14 की तरह कर दिए गए हैं ग्लोबल अपडेट के अंदर। और यही जो सेम आप लोगों को आइकन्स है वो यहाँ पर चाइना का अपडेट है उसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे आप लोगों को ग्लोबल के अंदर भी मिलते हैं और इंडिया के अंदर भी आपको जरूर से मिलेंगे। एडिशनल सेटिंग के अंदर कुछ चेंजेस हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, जैसे कि आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लोटिंग विंडोज। अब यहाँ पर आपको साइड बार का ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको यहाँ पर गायब नहीं किया गया है। और इसके अंदर आप लोग दो जो टैब है उसको ओपन कर पाओगे, जैसे कि एक बार तो टेलीग्राम एप्लीकेशन है उसको आप लोग ओपन कर सकते हो, और सेकेंड आपका जैसे कि मान लो प्ले स्टोर है, तो दोनों को ही आप लोग यहाँ पर एक साथ ऑपरेट कर पाओगे, जो कि पुराने वाले अपडेट के अंदर नहीं हो पाता था, काफी कम डिवाइस के अंदर हो पाता था। तो ये काफी आप लोगों को यहाँ पर अच्छा फीचर है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि दोनों ही आप लोगों यहाँ पर जो टैब है उसको यहाँ पर एक साथ में यूज कर पाओगे। तो ये मेरे को वैसे ज्यादा काफी अच्छा चेंज है ना वो यहाँ पर पसंद आया है। अगर आप लोगों को भी यहाँ पर पसंद आए तो जरूर से बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब भी बात कर लेते हैं और कुछ चेंजेस के बारे में, सो होम स्क्रीन के आप लोगों को सेटिंग मिल जाती है। ये सारे आप लोगों को चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। सेम आप लोगों को एनिमेशन स्पीड है, तो ये तो आपको पुराने वाले अपडेट है उसके अंदर भी देखने को मिलते थे। होम स्क्रीन के अंदर आप लोगों को क्लासिक विथ एप ड्रॉवर लाइट मोड, तो ये सारे फीचर हमारे इंडियन वर्जन के अंदर भी है, तो इनमें कोई खास नहीं है। बाकी आइकन पे करना वो आप लोग देख पा रहे, ये सारी आप लोगों को इसके अंदर सेटिंग्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अभी बात कर लेते हैं और कुछ चेंजेस के बारे में, सो एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मेमोरी एक्सटेंशन। तो पहले आप लोग यहां पर इसके अंदर नहीं जा पाते थे 1, 2, 3 GB के अंदर, अब आप लोग इसको ऑफ भी कर सकते हो। 2 GB, 3 GB, 5 GB तक का आप लोगों को जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा यहां पर अच्छी बात है। और वहीं मैं आप लोगों से बात करूं आइकन पैक के बारे में, तो यहां पर जो आइकन पैक है वो आप लोगों को यहां पर सेम ही देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का जो चेंज है वो देखने को नहीं मिलता है। बाकी आप लोग एनिमेशन है वो यहां पर देख पा रहे होंगे, काफी ज्यादा अच्छी यहां पर कर दी गई है। और अगर मैं आपसे बात करूं एंड्रॉइड 13 के एनिमेशन के बारे में, सो एंड्रॉइड 13 की जो एनिमेशन है वो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर स्पेशल देखने को मिलती है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आपको सिंपली यहाँ पर जैसे कि एंड्रॉइड 12 अपडेट के अंदर तो हम लोग यहाँ पे लाके छोड़ देते थे, अभी आपको क्या करना है
इसको 10 पे लाके छोड़ना है। तो 1 करके आपको 0-0 कर देना है। अब आप लोगों को ये एनिमेशन है वो मिलेगी, और जैसे आप लोग इस पैप पर टैप करके रखोगे, क्लिक करके रखोगे, सो आपको हर बार एक नया इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। और ये बहुत सारे आप लोगों को जो इंटरफेस है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और एक फीचर है वो आपको अभी भी यहाँ पर मिसिंग देखने को मिलता है इसी MIUI 14 और Android 13 अपडेट के अंदर। वो क्या हो सकता है आप लोग एक बार बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। जो कि गाइज यहाँ पर Android 12 का फीचर है वो यहाँ पर आपको मिलता है। अब वो ना ही तो Xiaomi की तरफ से Android 12 अपडेट के अंदर प्रोवाइड किया गया था, और ना ही यहाँ पर Android 13 का अपडेट है इसके अंदर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो उस ऑप्शन का आपको नेम मिलता है कलर पैलेट। तो कलर पैलेट का आप लोगों को जो ऑप्शन देखने को मिलता है ना, जैसे कि थीमिंग का ऑप्शन है, अगर मान लो यहाँ पर जो आप लोगों ने ये वाला वॉलपेपर लगा के रखा है तो इसके अंदर आपको एक तो पिंक, व्हाइट और ब्लू कलर के अंदर ज़्यादा आप लोगों को कलर मिलते हैं। तो हमारे जो आइकन पैक है उसको अगर आप लोग यहाँ पर ओपन करोगे सो इसके अंदर आपको जो कलर देखने को मिलेंगे ना, जैसे कि हमने यहाँ पर वॉलपेपर के अंदर सेट करके रखा है, वही सेम जो आप लोगों को कलर है वो आपको इन सभी एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे। तो ये ओप्पो डिवाइस के अंदर भी आ चुका है, वीवो के डिवाइस के अंदर भी आ चुके हैं, आइको के जो डिवाइस हैं उनके अंदर भी आप लोगों को मिल चुके हैं, और साथ ही में जो यहाँ पर रियलमी के डिवाइस है सैमसंग के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, मैं पर्सनली यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और Xiaomi के अंदर ये वाले जो चेंजेस है वो आप लोगों को अभी भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर Xiaomi को इम्प्रूव यहाँ पर करनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग क्लॉक एप्लीकेशन, बाकी और जितने भी जो चेंजेस आपको मिलते हैं अगर आप लोग उनको यहाँ पर नोटिस करोगे तो इतने कुछ चेंजेस हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लोक एप्लीकेशन है उसी को मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर कोई भी आप लोगों को थीमिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। और एक बार चेक कर लेते हैं कैलेंडर एप्लीकेशन को, तो इसके अंदर भी आपको किसी भी तरीके का थीम का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। और वहीं मैं आप लोगों से बात करूँ एक हमारा कैलकुलेटर एप्लीकेशन के बारे में, तो इसका भी इंटरफेस आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट बार ही मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, तो कोई भी आप लोग को यहाँ पर थीमिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं मिलता है इसी कैलकुलेटर एप्लीकेशन के अंदर। तो ये कुछ गाइस फीचर थे जो कि यहाँ पर Xiaomi को ऐड करने थे Android 12 अपडेट के अंदर। अब वो ना ही तो Android 12 अपडेट के अंदर आए हैं और ना ही Android 13 अपडेट है उसके अंदर देखने को मिले हैं। तो गाइस यही एक छोटा सा रिव्यू है वो आपके साथ में शेयर करना था। वीडियो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है। और टेलीग्राम पे तो मैंने आपको बहुत ही पहले बता दिया था कि यहाँ पर MIUI 14 का जो अपडेट है वो ग्लोबल में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, इसकी डेट है वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर पाओगे, 15 जनवरी को मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया था। तो जरूर से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।